गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है एलोवेरा के प्लांट केयर के बारे में है। जी हाँ, आज हम एलोवेरा के प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली प्लांट अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। फ्रेंड्स, एलोवेरा का जो प्लांट है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर प्लांट है, काफ़ी जगह उगाया जाता है, खेती भी होती है इसकी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूजेज़ होते हैं। इसके बहुत सारे फेस पैक्स बनते हैं, जूसेज आते हैं, जेल्स आते हैं और ऑइंटमेंट्स आती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे जब बेनिफिट्स होते हैं किसी प्लांट के, तो लोग चाहते हैं कि गार्डनिंग में, गार्डन में अपने उसको प्लांट को लगाया जाए। तो यही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप एलोवेरा का जो प्लांट है अपने गार्डन में लगा सकते हैं और उसकी अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, एलोवेरा का पौधा लगाने से पहले सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने किस पॉट में इस प्लांट को लगाना है। मेरी सलाह माने तो आप इसको टेराकोटा पॉट में लगाइए। टेराकोटा मतलब मिट्टी का पौधा, मिट्टी का जो पॉट होता है उसमें लगाइए, क्योंकि इसमें जो ड्रेनेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो पानी है वो जल्दी सूखता है। और आप एक शेड्यूल बना सकते हैं वाटरिंग का, जिसमें अच्छी तरीके से आपका एक प्लांट ग्रोथ कर सकता है। एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो एक सकलेंट फैमिली को बिलोंग करता है, जिसका नाम होता है एलो। और ये सकलेंट फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसके मतलब ये है कि इसमें जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसको आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, इनडायरेक्ट लाइट में आप इसको प्लांट को रखिए। वैसे तो काफ़ी लोग एलोवेरा के पौधे को इंडोर भी उगाते हैं, तो इंडोर अगर आप उगाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसी लोकेशन पर रखिए जहाँ पे विंडो हो और विंडो से इनडायरेक्ट सनलाइट या इनडायरेक्ट लाइट आती हो, डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो। क्योंकि जब डायरेक्ट धूप इस पौधे पे पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी सूखता है पौधा, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो धीरे धीरे येल्लो होनी शुरू होती हैं और ये पौधा मर जाता है। तो आप इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट आती हो और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो। अब आपने पॉट चूज़ कर लिया, आपने पॉट अपने मनपसंद ले लिया, उसके बाद आपने इसमें पॉटिंग मिक्स डालना है जिसमें आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। अगर आपका एलोवेरा का प्लांट जो है वो थोड़ा छोटा है तो आप गमला भी छोटा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका एलोवेरा का प्लांट थोड़ा बड़ा है जिसका रूट्स ऑलरेडी काफ़ी ग्रो हो चुकी हैं, तो आप थोड़ा डीप पॉट लीजिए। जैसे ये देखिए, ये जो है ये डीप पॉट, इसको कहते हैं जो लंबाई में होते हैं पॉट्स। शैलो पॉट मत लीजिए, जैसे क्यारी वाले गमले आते हैं वैसा मत लीजिए, लंबा पॉट लीजिए जिसमें आपका पौधा जो है नीचे तक डीप रूट सिस्टम बना सके और अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। क्योंकि एलोवेरा का जो पौधा होता है उसके नीचे से ही काफ़ी बच्चे निकलते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, एक छोटा प्लांट ग्रो हो रहा है इसी में से। तो या तो आप इसको अलग करके दूसरे कंटेनर में उगा सकते हैं, या तो इसको यहीं रहने दे सकते हैं, ये यहाँ से दूसरा प्लांट बन जाएगा और ग्रो होता रहेगा। अब क्योंकि ये कि सकलेंट प्लांट है, तो सकलेंट प्लांट्स या जितने भी कैक्टस प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनका एक अलग से पॉटिंग मिक्स आता है जो ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा, या किसी भी प्लांट शॉप या प्लांट नर्सरी से आप उसको लेके उसका पॉटिंग मिक्स तैयार करके अपने गमले में एलोवेरा के प्लांट को लगा सकते हैं। वो पॉटिंग मिक्स कुछ नॉर्मल जनरल जो चीज़ें हम दूसरे पौधों में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होती, उसमें सैंड नहीं होती, उसमें परलाइट होता है, उसमें लावा रॉक होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सकलेंट प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करती हैं। तो वो पॉटिंग मिक्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लोकेशन की मैंने आपको बात बताई दी है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसको इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, उससे अच्छी ग्रोथ करेगा प्लांट। अब बात करते हैं वाटरिंग की। अब क्योंकि ये कि सकलेंट प्लांट है तो इसको फ्रीक्वेंट वाटरिंग नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप अपने पौधे को अच्छे से वाटरिंग दे दीजिए, और जब दूसरी बारी वाटरिंग देने लगें तो वेट करिए कि जब तक ऊपर या 2 या 3 इंच की मिट्टी ऊपर से सूख नहीं जाती, तब तक आप अपने एलोवेरा के प्लांट को वाटरिंग मत करिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि ओवर वाटरिंग से आपका जो प्लांट है वो काफ़ी सॉगी हो जाएगा, और जो लीफ में वाटर कंटेंट है उसकी बढ़ने की वजह से रूट रॉट होना ज़्यादा, उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, जब आप सकलेंट मिक्स जब लगा लाएंगे एलोवेरा के लिए, जब पॉटिंग मिक्स लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड भी लगा दीजिए, क्योंकि रूट रॉट होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं उसमें। एक और टिप मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स, जब आप एलोवेरा का प्लांट लगाएं तो जो पुरानी लीव्स हैं उनको आप थोड़ा सा बीच में से काट दीजिए, पूरा मत काटिए, उसको थोड़ा सा स्टेम रहने दीजिए, और वो आप पत्ता जो लीव है वो यूज़ कर सकते हैं। या तो आप उसको अपने फेस पे उसका जेल लगा सकते हैं ऊपर ऊपर से, उनको खाना नहीं है पत्तियों को, आप सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे या कहीं पे अगर जला हुआ है तो वहाँ पे, लेकिन बिना डॉक्टर के सुपरविजन के आप ये मत ना करिए, कभी कभी कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसमें फर्टिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती,
आप कोई भी फर्टिलाइजर जो आपका आप दूसरे प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इसमें ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि सिर्फ लीफी ग्रोथ होती है, फ्लावर्स वगैरह इसमें नहीं आते। तो आप कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जैसे कि गोबर खाद दे सकते हैं। मैं तो इसमें गोबर खाद ही डालता हूँ, ये आप नीचे देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रखा है, ये खाद ही मैंने डाली हुई है। या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी आपका एलोवेरा का जो प्लांट है उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। फर्टिलाइजर लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली इसको नहीं देना, इसमें महीने में एक बार फर्टिलाइजर दे दीजिए, इसके लिए बहुत है। अब डिजीज़ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इस प्लांट को रूट रॉट से बचाना है या किसी भी फंगस से बचाना है, तो आप इसमें फंजीसाइड डाल सकते हैं इसको प्लांट करते टाइम, और अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ फिर हो जाएगी और इसमें किसी भी तरीके की इन्फेक्शन कोई नहीं होगा। और अगर आप इसको ऊपर से अगर कोई स्पाइडर माइट्स या कोई और बीमारी इसमें ना लगे, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आप 1 चम्मच 1 लीटर में मिक्स करके अपने प्लांट्स में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बाकी प्लांट्स में स्प्रे करते हैं, इस प्लांट में भी स्प्रे कर दीजिए। तो ये कुछ टिप्स हैं फ्रेंड्स एलोवेरा के प्लांट के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर करी। एलोवेरा का प्लांट अब जब आप देखेंगे, ये तो काफ़ी अभी छोटा प्लांट है, अगर आप बहुत बड़े गमले में लगाएंगे तो एलोवेरा का प्लांट बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बहुत घना हो जाता है, तो संभालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो नए प्लांट आ रहे हैं एलोवेरा के, उनको लगा के आप दूसरे गमले में लगा दीजिए, या तो अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा एक बार अच्छी तरीके से जड़ पकड़ लेता है, रूट फॉर्म कर लेता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा लीव्स इसकी ग्रो होती रहती है। तो अगर आपको शौक है अपने फेस के बारे में, अगर बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, तो एलोवेरा का प्लांट आप ज़रूर लगाइए। और वैसे भी एलोवेरा का प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसके कुछ ऐसी गैसेस ये प्रोड्यूस करता है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती हैं। तो एलोवेरा का प्लांट आप ज़रूर लगाइए, और ये जो कुछ टिप्स हैं ये अपने प्लांट में अप्लाई करिए, जिससे आपका प्लांट अच्छी तरीके से चल पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी एलोवेरा का प्लांट लगा सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।